क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 एप्पल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल। ठीक है, 18 एप्पल की जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 16 एप्पल की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बताना क्या है, गेन परसेंटेज आपको बताना है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए जो एक एप्पल है उसकी कीमत कितनी है, 1 रुपये है। ठीक है, 1 रुपये। अब एक चीज़ इसमें क्या है, 18 एप्पल खरीदे हैं, ठीक है, तो कितने रुपए के खरीदे होंगे उसने, 18 रुपए के खरीदे होंगे। ठीक है, कितने खरीदे, 18 रुपए के खरीदे होंगे। इसके बाद 16 एप्पल क्या किए उसने, सेल कर दिए। ठीक है, कितने रुपए के किए उसने, 18 रुपए के सेल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ करिए क्या, सबसे पहले आप यहाँ करना क्या, आपको एप्पल की क्वान्टिटी सेम करना है। ठीक है, एप्पल की क्वान्टिटी सेम करेंगे तो यहाँ करेंगे 16 का इंटू और यहाँ करेंगे 18 का इंटू। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 16 का इंटू और यहाँ क्या होगा आपका 18 का इंटू। ठीक है, जब 16 का इंटू इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 288 आएगा। ठीक है, और 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस उसकी ये थी। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, ये है। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितने का, 36 रुपीज़ का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, 36 और अपॉन में क्या चला जाएगा, अपॉन में क्या है, 288 चला जाएगा। ठीक है, 288 चला जाएगा, इनटू करिए किसका, 100 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 9 जा, ठीक है, 4 7 जा और 2 जा। ठीक है, तो 9 1 जा और 8 जा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका, 4 जा, 50 जा, ठीक है, और 2 जा और 25 जा। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 12.5%। ठीक है, तो इतने परसेंट का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12.5% क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा।